आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का नाश्ता। तो देखिए, मैंने दही ले लिया है 1 कप, और हरी मिर्च प्याज कट कर लिया है इसमें ऐड कर लिया है आप, और टमाटर भी इसमें डालूंगी। आपको जितनी भी सब्जियाँ डालनी है वो डाल सकते हो, आपके पास जितनी हो। मेरे पास इतनी सब्जी थी, एक शिमला मिर्च डाल ली मैंने, और बस इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपका मिश्रण मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख देंगे इसको ढक के। और आपके पास अगर ज़्यादा सब्जियां हो तो आप ऐड कर सकते हो, मेरे पास इतनी सब्जियां थी तो इसलिए मैंने यही ऐड कर दी। इसको 5 मिनट के बाद हम देखिए, इसमें थोड़ा सा हम सूजी 1 कप डालेंगे, और सूजी डालने के बाद फिर ये बैटर को हम फिर मिला देंगे। मिलाने के बाद खूब अच्छी तरह से, और थोड़ा सा इसमें पानी मिला के तब इसको मिलाना है। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ा हो, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बैटर अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसमें। और ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। देखो, थोड़ा सा पानी डाल दो। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के थोड़ा देर रख देंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना, थोड़ी देर रखना है। थोड़ी देर रखने के बाद हम इस बैटर को, बस अगर आपको लगे कि थोड़ा मतलब बैटर गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और मिला सकते हैं, आपको मतलब सही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। ओके गाइस, आप हमारा देखो बैटर बन के तैयार है। अब हम इसको चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रसोई में। आप देखिए, हमने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद चाट मसाला डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, उसमें धनिया डाल दिया, बस हो गया हमारा बैटर तैयार। तो इसे बैटर को हम बनाने चलते हैं। अब हमारा पैन गरम हो रहा है। पैन गरम होने के बाद देखिए, अब इसे ना थोड़ा सही से बैटर को मिक्स करना है। मिक्स हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा, आपके पास अगर बेकिंग सोडा हो तो वो डालना, मेरे पास, और अगर इनो हो तो इनो डालना। मेरे पास बेकिंग सोडा था तो मैंने बेकिंग सोडा डाला है, आपके पास अगर इनो हो तो इनो डाल देना। इसमें कोई वो नहीं है कि आप कुछ भी डाल सकते हो, बेकिंग सोडा या फिर इनो। तो मैंने, ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो आप चलते हैं, हम ये पैन गरम कराए, इसमें हमने थोड़ा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हम काली सरसों डालेंगे इसमें, और इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम थोड़े इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल डालने के बाद फिर हमने जो बैटर तैयार करा था ना, इसे थोड़ा ज़्यादा चटकना नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर वो बैटर हम 1 चमचा भर के, इसमें ज़्यादा नहीं, 1 चमचा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा डालना। फिर हम इसको ढक देंगे। कवर करने के बाद हम देखेंगे हमारा ऐसा तैयार हो गया है, एक तब से क्या है। और हम इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे ही हमको पकाना है। तो क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएगा हमारा नाश्ता। ये है हमारा सूजी का नाश्ता। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स। और देखिए, हम सर्व करते हैं इसको, देखो कितना अच्छा लगता है। ये चटनी के साथ खाएं आप, चाहे नारियल चटनी के साथ, चाहे सॉस के साथ, जिसके साथ खा सकते हैं उसके साथ खाइए। बाय बाय।